वो सिर्फ ड्रामेबाज है, वो ड्रामा दिखाता है। मोदी जी ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज है, बस गप्पी है वो, गप्पी गप मारता ना, गप्पी है वो, ड्रामेबाज है। पहली बात तो उसको वर्दी अथराइज ही नहीं है पहनना। क्या अथराइज? वर्दी अथराइज नहीं है उसको पहनना। क्यों नहीं? क्या उसको आर्मी नंबर मिला हुआ? जाके वो राष्ट्रपति है देश का, देश के प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति थोड़ी है, वो प्रधानमंत्री है ना, राष्ट्रपति नहीं है ना। तो राष्ट्रपति होते तब उसको वर्दी पहन नहीं मान भी देते, मैं पहन सकता। हक इत्थे रख, इस करके लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि अफसरों ने बिल्कुल सरासर ही धोखा किया है। खास तौर पर जनरल सतबीर सिंह, जनरल जड़ी सिंह जड़ी बख्शी, ये दोनों ने जवानों के साथ, जेसीओ के साथ, एनसीओ के साथ धोखा। जवान को तो ऐसे समझा जैसे मेरे घर का नौकर है। मैडम सोचेगी कि मेरे घर का नौकर है, जी तो ये गवर्नमेंट का नौकर नहीं है, ये मेरे घर का नौकर है। जो भी काम करवाएंगे, घर का सारा काम करवाएंगे उससे। और मैं क्या बोलूँ, न्यूजीलैंड में कौन से काम करवाते हैं, जो काम करवाते हैं ऐसे गंदे काम करवाते हैं, तो मैं क्या अभी न्यूज में नहीं बोल सकता ऐसी चीज़। दहाड़ता सिर्फ पाकिस्तान की बात होती है तब दहाड़ता है। आज तक उसके किसी जवान के लिए दहाड़ता हुआ देखा? कभी नहीं देखा। और मुछे हरे की मुछे नहीं होती, वो मुछे तो शेर के भी होती हैं, मुछे तो भैंसे के भी होती हैं, मुछे कुत्ते के भी होती हैं। आप बताओ, तीनों के मुछे फर्क नहीं है? जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला मौजूद हूं इस समय मैं अंबाला के अंदर, और बलकार सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार थोड़ी सी नज़र आपके इनके सीने पे लगे हुए मेडल्स की ओर दिखाना चाहूँगा। ये मेडल्स सही मायने में एवें ही नहीं मिलते, रस्ते में नहीं पड़े हुए मिलते, इनको पाने के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी कुर्बान करनी पड़ती है। अपने भारत देश के ऊपर इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली है। सबसे पहले सर आपको जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। मैं आर्मी सूबेदार मेजर बलकार सिंह, जो कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, साडा हक इत्थे रख, इस करके लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि अफसरों ने बिल्कुल सरासर ही धोखा किया है। खास तौर पर जनरल सतबीर सिंह, जनरल जड़ी सिंह जड़ी बख्शी, ये दोनों ने जवानों के साथ, जेसीओ के साथ, एनसीओ के साथ धोखा किया है। क्योंकि अपना पे कमीशन बन रहे, वन पेंशन 2.81 से ले लिया, हमारे को 2.57 से दे दिया। दूसरा है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी कोई भी अफसर लड़ाई के अंदर गोली से या किसी स्प्लेंडर से कैटेगरी नहीं है, जो कि वो ले रहा है वो अपनी सेहत खराब से, या तो वो शुगर का पेशेंट है, या वो हार्ट का पेशेंट है, या वो बीपी का पेशेंट है, वो ले रहा है, वो ले रहा 45 से लेके 50% तक डिसेबिलिटी लेते हैं। अगर 100 अफसर रिटायर हो गया तो उसमें 50 अफसर ऐसे होंगे जो कि डिसेबिलिटी वाले हैं। और जवान अगर 1000 डिस्चार्ज होगा, पेंशन आएगा, उसमें से ज़्यादा ज़्यादा 15 या 20 आदमी ऐसे होंगे जो कि जेन्युइन डिसेबिलिटी हैं, जा कोई किसी स्प्लेंडर लगा है आरआर में, जा किसी बॉर्डर पे लगा है, जा किसी को गोली लगी है, बहुत कम चांस है जो कि पेशेंट बीमारी वाले पेशेंट है। अफसर तकरीबन 40-45% जो है वो सारे बीमारी वाले हैं जो कि डिसेबिलिटी ज़्यादा ले रहे हैं। जवान को क्या मिल रहा है डिसेबिलिटी? कुछ भी नहीं मिल रहा। अफसरों को ज़्यादा मिल रहा है, सारा खा रहे हैं मलाई, यही खा रहे हैं। लड़ाई जवान लड़ रहा है, फिर बोलते हैं जवान क्या करता है सारा दिन, ये पूरा दिन ये उसमें बैठ के क्या करते हैं, ये सिर्फ शेयर मार्केट खेलते हैं। और क्या करते हैं जी अफसर? शेयर मार्केट खेलते माल माइल ने माइल जवान को लागू नहीं है। हाँ। अफसर को सब कुछ लागू है। अपना लैपटॉप लेके जाएगा, सारा शेयर मार्केट खेलेगा। किसी भी अफसर का कार्ड चेक कर लो, शेयर मार्केट के पैसे लगे हुए इनके, सारा दिन यही खेलता। जब 1 बजेगा तब बोले डाक लो, डाक लाओ, डाक दिखाओ, कहें कौन सी डाक। फिर 3 बजे का उसमें बैठेगा, उससे पहले सारा काम इनका यही है। लेकिन अफसर आप लोगों को बताते भी तो ना, आप लोगों के साथ रहते हैं वो लड़ाई के अंदर? कोई अफसर साथ नहीं रहता है, सबसे आगे जेसीओ जवान ही होते हैं। फिर बोलते हैं जेसीओ क्या करते हैं, क्या चाहिए इनको? अफसर नहीं रहता। अफसर कब रहता? अफसर कंपनी के अंदर 250 आदमी हैं, 10-15 जेसीओ हैं, अफसर कितने होंगे? 1 या 2? क्या सबसे आगे चल रहे हैं अफसर? कभी नहीं चलेगा।
पहली बात तो अफसर वगैरह पीटी पास ही नहीं होता है, जे सी ओ 30 साल 32 साल नौकरी करके बीपीटी पास फर्स्ट आएगा, एक्सीलेंट आएगा, अफसर बनेगा, अफसर 5 साल में मेजर बन गया तो एक्सीलेंट नहीं आ सकता। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, मैं मेरे साथ दौड़ के दिखा दे अफसर अभी भी। अच्छा, मेरे 8 साल हो गए, मेरे को रिटायर हो गए, मेरे साथ दौड़ के दिखा दे, चैलेंज करता हूँ। एक सूबेदार मेजर बनता है उसको पीटी लागू, पीटी में आएगा। एक सीओ बनता है 14-15 साल में, कर्नल बन जाता है, वो पीटी में नहीं आता, क्यों? उसकी एज ज़्यादा है, उसका एसएन साहब की एज ज़्यादा है। बताओ मेरे को, आप ही बताओ, आप ही मैसेज आओ कि पीटी माफ किसकी होनी चाहिए, एसएम की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जो कि उससे पहले आएगा उससे बाद में जाएगा दफ्तर से, वो गेम में भी आएगा, पीटी में भी आएगा, सवेरे हर काम में आएगा। और अफसर क्या करेगा, सीओ क्या, कर्नल क्या करेगा, कुछ भी नहीं, ना पीटी में आएगा ना शाम को गेम परेड में आएगा। अगर 10 जूनटे हैं, 10 जून को एक अफसर आएगा जो कर्नल को गेम का इशू का गेम करने आएगा, नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अच्छा, शोषण क्या क्या हुआ सरदार जी? शोषण तो हर एक काम में शोषण ही शोषण है। जैसे जवान को तो ऐसे समझा जैसे मेरे घर का नौकर है, मैडम सोचेगी कि मेरे घर का नौकर है, जी तो ये गवर्नमेंट का नौकर नहीं है, ये मेरे घर का नौकर है, जो भी काम करवाएंगे घर का सारा काम करवाएंगे उससे। और मैं क्या बोलूँ, न्यूज चैनल में कौन से काम करवाते हैं, जो काम करवाते हैं ऐसे गंदे काम करवाते हैं, तो मैं क्या अभी न्यूज में नहीं बोल सकता ऐसी चीज़ें। ऐसा हाल है जवान, क्यों जवान छोड़ रहे हैं, नहीं क्यों क्यों जवान छोड़ रहे हैं, क्यों सुसाइड, इसी कारण इसी तरह सुसाइड हो रहा है, क्योंकि उनको न्याय तंग कराया जा रहा है। जैसे अगर कोई बड्डी के लिए नहीं जाएगा, उसको न्याय, उसके हरासमेंट किया जाएगा, उसको प्रमोशन के लिए हरासमेंट किया जाएगा, उसको क्लासेस के लिए हरासमेंट किया जाएगा, उसको टेम्परेरी ड्यूटी भेज देगा। अगर कोई बंदा फैमिली लेके आया, फैमिली लेके जाए, दूसरा उसको टीडी भेज दे कहीं ना कहीं बाहर, ये हरासमेंट ही हरासमेंट करे, इसलिए सुसाइड क्यों हो रहे हैं आपके? अभी बड्डी बताया आपने, बड्डी मतलब बड्डी मार के बटमैन, हेल्पर, हेल्पर होता है जो अफसर के घर में काम करता है। अथराइज नहीं है, एक्चुअली अथराइज नहीं है, फिर भी जाते हैं चलो, लेकिन उसका उसको क्या काम करना है, उसका घर का राशन, जो राशन पानी लेके जाना वो अथराइज है, उसकी वर्दी प्रेस कराना अथराइज है, मान लो तो बाकी ये तो नहीं, घर के सारे काम करेगा, कपड़े धोएगा, यही तो करता है जवान, क्या करता है अफसर के साथ, यही करता है बड्डी में जाके ना, ना, उसकी गन साफ करता है, ग्रीस करता है, नहीं ओदा झुंड के अंदर हथियार तो झुंड के अंदर होता है। हाँ, यही करते हैं जवान, क्या करता है फिर वो जवान, बाकी जो उसका बड्डी है वो घर के सारे काम करवाते हैं, जैसे कपड़े धोने तक काम करते हैं, घर में पोछा लगाने तक काम करते हैं। क्या बात कर रहे हो, मतलब जवान हमारा घर के अंदर कपड़े धो रहा है, घर के अंदर कपड़े धोएगा, आपने देखा कभी? मैं देखा, देखा क्यों नहीं है, देखा मैंने, मैं 30 साल नौकरी करके मैं देखा, सब कुछ देखा जी, इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बिना देखे क्यों बोलता मैं? क्या क्या देखा था आपने? मैं देखा मैं जो अभी भी जिंदा बसा लगे बंदे ने, जो जब उसको बोला कि मैडम बोले मेरा जूता साफ कर, मैडम कह रही है मेरा जूता साफ कर, अभी भी मेरे जूट का बंदा जिंदा है जिसने जिसने जूते को 12 ठोकर दूर फेंका था, यहीं तोखाना बाजार थाने के सामने क्वार्टर था उसका, तोखाने बाजार में चौंकी है, चौंकी सामने था। अब मैं अफसर का नाम नहीं लेना चाहता इसमें कि उसकी मैडम थी वो, ऐसे ही है। तो जवान क्यों करता है फिर ये सब काम जो है? मजबूरी। क्या मजबूरी? हम गरीब घर के हैं, गरीब घर में नौकरी नहीं मिली, फौज में आ गई, फिर देश सेवा करेंगे, लेकिन देश सेवा क्या हो रही है? देश सेवा नहीं हो रही है, गुलामी की एक प्रथा है। सही मायने में हमारे भारत देश को अंग्रेजों ने इतना नहीं लूटा, मुगलों ने इतना नहीं लूटा जितने हमारे देश के गोरे अंग्रेज या काले अंग्रेज जितना अब लूट रहे हैं। ये लोग देखो, देश की सेवा नहीं कर रहा जवान, सच मायने में ये लोग मेम साहब की सेवा कर रहे हैं, मेम साहब के कपड़े धोना, मेम साहब के जूते पॉलिश करना, सफाई करना, घर की झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, ये कौन, ये नौकर नहीं कर रहा, ये हमारे भारत देश का जवान कर रहा है, हमारे भारत देश का सैनिक कर रहा है। क्या वो गंदे गंदे काम सेना के अंदर उसको करने पड़ते हैं? हालांकि मैं उन कामों को बोलूँगा या मैं ये भाई साहब बोलेंगे तो शायद हम लोगों को भी लज्जा आ जाएगी कि क्या बताएं कैमरे पे कि किस किस तरह के काम जवान से, कैमरे बता नहीं सकते इस चीज़ को, हम कैमरे बता नहीं सकते कैसे कैसे काम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई शर्मनाक काम, शर्मनाक काम है, बिल्कुल शर्मनाक काम है। आपकी मूछों को देखकर मुझे जीडी बख्शी साहब याद आ रहे हैं, और जीडी बख्शी साहब की भी बिल्कुल आप जैसी मूछें, और फिर भी आप कह रहे हो कि वो गद्दारी करते हैं। बकायदा मैंने कई बार देखा वो टीवी पैनल के ऊपर बैठ के दहाड़ते हैं आप लोगों के लिए, जवान जेसूस के लिए। वो दहाड़ता सिर्फ पाकिस्तान की बात होती है तब दहाड़ता है,
आज तक उसके किसी जवान के लिए दाड़ता हुआ देखा कभी? कभी नहीं देखा। और मुछे हरे की मुछे नहीं होती, वो मुछे तो शेर के भी होती हैं, मुछे तो भैंसे के भी होती हैं, मुछे कुत्ते के भी होती हैं। आप बताओ तीनों में मुछे फर्क नहीं है? अब श्री बख्शी साहब की कैसी मुछे फिर? वो सब हमारे लायक नहीं है मुछे, वो हमारे मुकाबले के मुछे नहीं है। तीन बताए, भैंसा बताया, शेर बताया, कुत्ता बताया, उनकी किस तरह की? भाई मैं क्या बताऊँ उसके लिए, जो बंदा गद्दारी करके आओ क्या है वो? श्री बख्शी साहब गद्दार हैं, गद्दार है 100% गद्दार है। जवानों के साथ गद्दारी की है उन्होंने, जैसे कि हमारे 2.7 दे दी, अपनी ले ली 2.81, आप 5-5, 7-7 लाख रुपया लेके घर में बढ़ गए, अभी क्यों नहीं बोल रहे? वो तो अफसर है ना फिर। अफसर ये थोड़ी कि वो मलाई खा जाएगी। यार अगर बिल्ली है दूध रखे अपने, क्या मलाई बिल्ली खा जाएगी? जब बिल्ला के खा जाएगा मलाई, जब कुत्ता खा जाएगा मलाई, मलाई हम खुद खाएंगे, दूध गर्म हम करेंगे तो मलाई भी खाएंगे ना, तो नहीं खा सकता। ये पटियाले में रोता था सतबीर, जनरल सतबीर पटियाले में रोता था कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, या चले हमारे साथ गद्दारी करके जी। कैसे पटियाले में कट करता था ये एक्सर्समैन का, भाई चलो हमारी पेंशन कम, हमारी पेंशन कम, तो हमारे साथ गद्दारी करके चला गया जी। कैसे गद्दारी? सतबीर जी तो लगातार मैंने देखा जंतर मंतर पे 200 दिनों से ज़्यादा धरने पर बैठे थे, और हमें जवान जैसे उसको लेके बैठे थे, वो जवान जैसे लगे थे। गुमराह कराया इन्होंने, सरासर गुमराह किया हमारे को। जो लाइटर इन्होंने आगे दिया वो हमारे को नहीं दिखाया किसी को, इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, गद्दारी की है, गद्दार हैं जी, जो देश के गद्दार हैं हमारे गद्दार हैं, जवान के साथ गद्दारी के गद्दार हैं जी। मतलब सतबीर और जीडी बख्शी साहब देश के गद्दार हैं, गद्दार हैं जी, जवानों के बिल्कुल सरासर गद्दार हैं। ठीक है, मोदी जी तो आप लोगों के लिए लड़ते हैं, देखो ये बात मानने की है, क्योंकि वो हमेशा सरहद पे बॉर्डर पे जाते हैं, होली दिवाली आप लोगों के साथ मनाते हैं। जो वो सिर्फ अफसरों के लिए जाता है, जवान को तो उधर तंग करते हैं, जवान को गुमराह किया जाता, गुमराह को टाइट किया जाता, कि जो बात आपको बताई गई यही मोदी के आगे बोलना, दूसरी फालतू बात नहीं बोलेगा, दूसरी बात फालतू बोली गई तो तुम्हारी चार्जशीट है, तुम्हारे फितियाँ उतर जाएंगी। अरे हमारे देश में बोलने की आज़ादी है? नहीं, अब नहीं आज़ादी है, आर्मी के अंदर आज़ादी नहीं है। जो उनको स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, बोली जाएगी, भाई हाँ ये चीज़ बोल, वो ही बोला जाएगा। मोदी जी जब आप लोगों के पास जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो लिखी हुई चीज कहा जाता है यही बोलना, वो ही बोला जाएगा। अगर आपने मेरे को बोल दिया यही चीज बोलनी है, यही चीज बोली, उससे फालतू नहीं बोलनी। मतलब अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, जवान जैसे नहीं बोल सकता। लेकिन फिर भी मोदी जी तो आप लोगों के नहीं लड़ता, हमारे लिए नहीं है। पुलवामा में सत्यपाल मलिक जी ने बताया, पुलवामा में क्या किया उन्हें, 40 जवान मरवाए, अभी पुंछ में मरवाए, ये कौन करवा हुआ है? अभी दाताबाड़ा दासीवाड़ा में नक्सलाइट ने जवान मरे 10, तो क्या है ये इलेक्शन का नहीं है? ये सिर्फ इलेक्शन लेके छोछलबाजी करता है, आता है जवानों के पास। अच्छा, एक बात बताओ, हमेशा जब जैसे पुलवामा हमला हुआ तो वो 2014 के इलेक्शन से तुरंत पहले हुआ, अब छत्तीसगढ़ में हुआ, पूंछ में हुआ, तो वो इलेक्शन से पहले हुआ, क्या मतलब क्यों ये इनका इलेक्शन का मामला? अभी पंजाब में ला लो, पंजाब में नहीं हुआ अभी, अभी पंजाब में जिमनी चोर थी, ये अपना अमृतपाल वाला क्यों कांड किया उन्होंने, क्यों किया कांड? ये वही इलेक्शन जीतना है इन्होंने, मतलब लेकिन ये चीजें करने से इलेक्शन जीत नहीं पाता कोई बंदा। नहीं, मोदी जीता। आज जमाना पढ़े लिखा हो गया, मीडिया का जमाना हो गया, हर एक आदमी जानता कि ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मीडिया तो आपको कवरेज ही नहीं करता, ना कर कवरेज करे, अपने खुद के मोबाइल तो हैं, हम उनमें वीडियो बना के डाल देते हैं, तब भी हमारे व्यू आते हैं, देखते हैं लोग भी हाँ सही बोल रहे हैं। तो सोशल मीडिया हमारा साथ दे रहा, अगर चैनल गोदी मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा तो गोदी मीडिया को जान दो, भट्ठे में खड्डे में जान दो, हमारे चैनल गोदी मीडिया से। ये तो अभी पंजाब के चैनल है, सपोज करो पंजाब के सारे सारे बादल के चैनल थे, जो बादल बोलेंगे वही चीज़ बोलेंगे, तो ऐसे ही था, ऐसे ही गोदी मीडिया का चैनल है, जिसे गोदी मीडिया चैनल, गोदी मीडिया ही जो बोले वही चलेगा। मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मैं बॉर्डर के ऊपर जो है वो हम देख बोलते कि हम तो देखते भी हैं टेलीविजन के माध्यम से कि आर्मी की ड्रेस पहन के फौजियों के साथ में एक बिल्कुल कहते हैं कि मैं देखो बिल्कुल जवान जैसे उसके लिए लड़ता हूँ, मरता हूँ, करता हूँ, और तमाम तरह की बातें वो आप लोगों के पास जाते हैं। कोई नहीं मरता हो, वो सिर्फ ड्रामेबाज है, वो ड्रामा दिखाता है मोदी जी, मोदी ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज बस गप्पी है, वो गप्पी गप मारता ना, गप्पी है वो, ड्रामेबाज है। पहली बात तो उसको वर्दी अथराइज ही नहीं है पहनना। क्या अथराइज? वर्दी अथराइज नहीं है उसको पहनना। क्यों नहीं? क्या उसको आर्मी नंबर मिला हुआ? प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति है देश का, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थोड़ी है वो, प्रधानमंत्री है ना, राष्ट्रपति नहीं है ना, तो राष्ट्रपति होते तब उसको वर्दी पहन नहीं मान भी देते, पहन सकता है वो, प्रधानमंत्री ना के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पहन सकता वर्दी, राष्ट्रपिता गया, राष्ट्रपति किसने गया? तीनों सेना का जनरल वो है
हाँ बिल्कुल है, वो पहन सकता है जैसे बाहर के फॉरेन कंट्री में होते हैं राष्ट्रपति पहनते हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि प्रधानमंत्री पहन लिया, फिर तो कानून अमित शाह बोले मैं ही पहन लूँगा, रक्षा मंत्री बोले मैं ही पहन लूँगा वर्दी, ये ऐसे नहीं होता है। लेकिन होली दिवाली तो आप लोग अभी एक मिनट, मैं 30 साल नौकरी करके आया, अभी मैं वर्दी नहीं पहन सकता, क्यों? वो उसको कैसे लागू होगी? जब मेरे को लागू नहीं है, मैं 30 साल नौकरी करके आ गया तो उसको कैसे लागू होगी? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, क्या ट्रेनिंग करके आया फौज में नौकरी करने? ये बताओ मेरे, फौज में नौकरी करने मैं 30 साल नौकरी करके, मेरे को वर्दी लागू नहीं है, अभी मेरे को वर्दी लागू नहीं है, जिस दिन से रिटायर होकर उस दिन 12 बजे से वर्दी उतर गई हमारी, वर्दी नहीं पहन सकते हम। जिस दिन हमारे को लेटर मिलेगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त के परेड में आना है, हमारे को उधर वर्दी देगा, हम उधर वर्दी पहन सकते नहीं, अतर वर्दी नहीं पहन सकते हम, क्या वो कैसे वर्दी पहन, सिविल आदमी कैसे वर्दी पहन लेगा? फिर तो दुनिया सभी पहन लेंगे वर्दी, फिर रिक्शे वाला ही पहन लेगा, रिक्शे वाले को पहना दो फिर वो भी फौजी बन जाएगा फिर। अब बताओ मेरे मेरे किसी का जवाब दे दो आप। नहीं, वर्दी की बात तो ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई वो नहीं पहन सकते क्योंकि राष्ट्रपति के अलाउड है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं के जो है अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये तो मानते हो ना कि आप लोगों के पास पहुंचते हैं और आप लोगों की हकीकत बात कहीं कहीं पहुंचता, वो जहां उसको बढ़ाई चाहिए वहां पहुंचता है। किस जवान का फायदा किया है यहां तक, किसी जवान का फायदा किया मेरे बता दो, आप मीडिया वाले हैं आप बता दो, किसी जवान का इसने फायदा किया आज तक वो बता दो, किसी जवान का कर्जा माफ किया? जवानों का सिर्फ कर्जा नहीं है, जवानों किसी का कर्जा माफ किया? नहीं, अडानी वानी का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया? नहीं, कि किसी जवान का कर्जा माफ किया? वो तो पहले अमीर बहुत है, नहीं करते ना किसी जवान का। किसी जवान का गया सर, मान लें मैं आपकी बात सहमत हूँ, वहाँ गया बॉर्डर पे गया, जवानों के साथ मिला, किसी जवान को कह दे गया जी, जवानों को तंग करके आया, जैसे जैसे उधर पकौड़े छकौड़े जो भी बना, वो किसका पैसा खर्च होया? वो पैसा किसका खर्च होया? वो मेरा जो मैं जुंट के अंदर नौकरी कर रहा हूँ, मैं हर महीने कटिंग देता हूँ, अर्जमेंट कटिंग जिसको बोलते हैं, वो पैसे से खर्च किया, वो मेरे वेलफेयर के लिए रखना था, वो मोदी खा के आ गया, क्या दे गया उन जुंट में? जवानों का हक खा गया, हक खा गया बिल्कुल, सरासर हक खा गया हमारा, जवान जो अर्जमेंट कटिंग देते हैं उसका पैसा जो जुंट के काम के लिए काम आना था, उसके वेलफेयर के लिए आना था, अगर ठंडे इलाके में हीटर खरीदना था, पीस में को कूलर खरीदना था उससे पैसे से, वो तो अजय खा के आ गया, चाय पकौड़ा जो उधर डेकोरेशन किया होना, मैट बिछे होने, सारा खर्चा अजय करा के गया, कम से कम एक जून में जिसमें गया 5-7 लाख रुपया खर्च करा के आ गया होना, ये क्या दे के आया वहाँ पर? ज्यादा बताता मीडिया के बाद इसको जून को 20 लाख दे के जा रहा हूँ, हम तब मान लेते हाँ दे के आया, ये तो खुद खा के आ गया उधर जमाने का पैसा, ये तो ये भी कौन सा हुआ है? ये दूध का तो है कोई नहीं है, सब एक जैसे ही है। ठीक है, अभी 30 अप्रैल को आप लोगों ने इन तमाम मेरे ख्याल से इन्हीं विसंगतियों को लेकर, हाँ जी जो है इन्हीं के लिए हम क्या करेंगे 30 अप्रैल को, किस तरह से पूरे देश में क्या करने वाले हैं? 30 तारीख को सबको, जितने भी अपने अपने इलाके के MP हैं तो उनको हम विज्ञापन देंगे, जो राज्यसभा मेंबर हैं अगर MP नहीं कहीं मिलता तो उनको देंगे, तो इनका लेटर हम देंगे, मेमोरेंडम देंगे, ताकि सरकार के कान तक पहुँच जाए, उनके कान के जो जूं बैठी हैं, जूं जो बाड़ों में जूं होती है वो जूं सरकानी है। भगत सिंह ने बम जो असम्बली में घेरा था, वो क्या किसी को मारने के लिए घेरा था? नहीं घेरा था मारने के लिए, वो सिर्फ अंग्रेजों के कान के पर्दे खोलने के लिए कि हम अभी जिंदा हैं, हम ये इसलिए लेटर दे रहे हैं कि हम जिंदा हैं, अभी हमारे में दम है, हम तेरी सरकार को हिला के छोड़ेंगे, और 24 देखना 28 लाख फौजी हैं हम रिटायर, अब हिलाएंगे इनको, पता चल जाएगा इनको भी यार 24 में क्या हो रहा है। क्या तैयारियां कर चुके हैं आप 30 अप्रैल? हम आपसी तैयारी अपने अपने इलाके में अपने अपने तैयारियां कर चुके कि एक तो इन्हें वोट नहीं देनी, बाइकाट करना इनका, हम किसी को कड्डे में डाल देंगे वोट, लेकिन इनको वोट नहीं देनी BJP को जो कर रहा है हमारे साथ। BJP विरोधी लग रहे हैं आप? मोदी विरोधी मैं सभी अविरोधी हूँ, मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, अकालियों का भी विरोधी हूँ, JJP का भी विरोधी हूँ, मैं सबका विरोधी हूँ, मैं उसका हूँ जो काम सही करता है। मोदी सही काम नहीं करते? अनिल विज काम सही कर रहा था, मैं उसका मित्र हूँ। मतलब मोदी सही काम नहीं करता? मोदी सही काम नहीं कर रहा, अगर इसको मोदी सही काम करता इससे 15 मिनट का रास्ता है, जहाँ हमारे वीर बहादुर बैठे हैं जवान, वो दिल्ली जंतर मंतर, हाँ तो उधर क्यों नहीं आए जी? इसको पता नहीं है, हो सकता बहुत सारे काम होते हैं, कोई काम नहीं इसको, कुछ नहीं काम है, ड्रामेबाजी करता, इसको सब पता कि जहाँ फौजी बैठे हैं करना नहीं चाहता, ये करना नहीं चाहता जी,
या करना चाहता जो दो मिनट आ नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। कुछ काम नहीं है, कौन सा हाथ से खुद काम करते हैं, कौन सा कसी चलाता जी, तो कसी चलाता क्या कर रहा है जी, लाइटर बनाने वाला कोई हो रहा है, इन्हें आके साइन ही मार रहे, साइन की भी नहीं, स्टैंप मनी होती है वो मार देते, स्टैंप मार देते हैं, कौन करता काम, कोई काम नहीं करता, काम सबसे ज्यादा करता है जवान फौज का, और वही आज वही आज सड़कों में खड़ा। ठीक है, देखिए ये कितने अच्छे शब्दों में इन्होंने अपनी बातों से बताया कि जितना जवान और जेसीओज है हमेशा सिर्फ उसका हक मारा जा रहा है, मलाई खा गए अफसर और इनके हाथ में पकड़ा दिया खाली कटोरा। बड़े सिस्टम की बात करो तो उसके अंदर भी जवान का किस हद तक शोषण हो रहा है वो भी आप लोगों ने अच्छे से सुना और समझा, और किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी शेर की दहाड़ करने वाले, 56 इंच का सीना लेने वाले, सही महीने में गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनका फीता लेकर सीना नाप लो, 56 इंच से कम नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और 30 तारीख को ये लोग कुछ बड़ा करेंगे और 2024 में उससे बड़ा करेंगे, गलत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा करेंगे, 24 आगे बड़ा करेंगे हम, अभी तो बहुत कम जुड़े हैं, आगे और जुड़ेंगे। अभी निवेदन करूंगा मोदी जी हाथ जोड़कर, और बड़े अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, कि जो हमारा देश का जवान है, जो इसका जो फौजी है, देश का जो सैनिक है, उसका हक ना मारा जाए, उसका हक उसको मिलना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।